अच्छा तो रफी साहब, आज की जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, कहिए तो सिलसिला शुरू करें। यस सर। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा, मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ कहाँ रहे वगैरह वगैरह। मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए, लाहौर से 1942 में मैं बम्बई आ गया। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज्यादातर घर पर ही हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो तो वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। है बाद में आपके संगीत की तबीयत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालदैन ने तो मुखालफत जरूर की होगी। अजी ये तो मत पूछिए, ये तो इतने खिलाफ थे, कभी कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे। इतने खिलाफ थे गाने के, पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अच्छा जी। बाकी आज सब पूछ लो कि ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है, जिनसे हम गाना, जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही हैं, इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है। आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक पहले ऐसा हुआ, जब मेरी उम्र 10 साल की थी जी, तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था। अच्छा। तो वो गा कर पैसा मांगता था। अच्छा। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो ज्यादा चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। क्या गाता था? तो गाना वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बोल बोल है उसके, खेडन दे दिन चार नि माए, खेडन दे दिन चार। तो मैं उसको आपको थोड़ा अगर खुशी करता हूँ तीनों में सुनाता हूँ। खेडन दे दिन चार नि माए, खेडन दे दिन चार। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं ज्यादा नहीं जाता था उसके पीछे 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 उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बढ़ा, इतना बढ़ा था। सर आपको फिल्मों में किसने इंट्रोड्यूस किया, और आपने सबसे पहला गाना किस फिल्म के लिए? पहला गाना लाहौर में एक पिक्चर बननी थी पंजाबी में, गुल बलोच उसका नाम था, जिसमें मरहूम श्याम सुंदर का म्यूजिक था। हिंदी में फिर यहाँ बम्बई में गांव की गोरी पिक्चर बननी थी, उसमें गाने गाए थे। ठीक है अभी साहब, ये सब कुछ तो आपके गाने और फिल्मी जीवन के बारे में हुआ, अब आप कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आपके हॉबीज, दूसरे शौक। मुझे मुझे एक ही शौक है, बैडमिंटन का। और कभी कभी बच्चों के साथ कैरम खेल लेता। क्या आप सिनेमा देखना पसंद करते? सिनेमा हाँ, कभी कभी देख लेता कोई पिक्चर। हाँ तो रफी साहब, एक बहुत जरूरी सवाल पूछना तो भूल ही गया, मेरा मतलब है आपके जीवन में आपका जीवन साथी कब आया? ये तो ये क्या बताया? आपकी शादी आपके पसंद से हुई या वालिदैन की मर्जी से? ये अजीब सवाल किया आपने, कमाल। ये पसंद ना किसी की, ना माँ बाप की, ना मेरी पसंद। दरअसल बात ये है कि मुझे मेरी बीवी ने खुद ही पसंद कर लिया।